जबरदस्त गाना पाजी का। जब हम लोगों ने हम लोग सोच रहे थे कुछ कोलैब, जब वी वर ट्राइंग टू फॉर्म नमो स्टूडियोज, तो पाजी के साथ मीटिंग्स हुई, बात करी हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, तो ये गाना सुना हम लोगों ने। और इस गाने के पीछे बहुत पाजी को रिक्वेस्ट करी कि ये गाना तो हमें चाहिए, सिंस हम लोग नया लेबल लॉन्च कर रहे थे। और लकीली ही अग्रीड। एंड गाना मतलब ये गाना जब फर्स्ट टाइम ही हम लोगों ने सुना था, एक इतना यूनिक वर्ड है, मतलब इस गतिविधि के नाम से कोई गाना अभी तो कोई ऐसा वर्ड से कोई गाना ही नहीं था। बाकी और जैसे जाम भी हम लोगों ने किया है, काफी सारे सॉन्ग है उस पर, तो एक अलग से ये भी था कि हाँ यार ये कुछ नया हम लोग करने वाले हैं। और गाना सब लोगों ने सुना ही होगा, गाना एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है और पाजी का खुद का म्यूजिक बहुत टाइम बाद सब लोग, फैंस भी इतने ज्यादा पीछे पड़े हुए थे कि पाजी अपना म्यूजिक लाओ अपना म्यूजिक लाओ, तो इसमें पाजी का ही म्यूजिक, पाजी के ही लिरिक्स और रेस्ट आप लोग देख रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट वीडियो पे मोर देन 20 मिलियन हम लोगों ने जस्ट इन अ वीक वी हैव क्रॉस्ड। एंड अभी और होप है कि ये गाना और अच्छा जाए, सब लोगों को सुने, सारे चार्ट बस्टर पे अच्छा चल रहा है गाना, वर्ल्ड के हम लोग शायद ग्लोबल में भी हम लोग नंबर सेकंड पे गया है हमारा सॉन्ग, वर्ल्ड के हर जगह पर, हमें इंडिया में आज भी टॉप 10 वीडियोस में हमारा सॉन्ग है। तो रेस्ट पाजी बताएंगे। बहुत मजेदार है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और मैं कहना चाहूंगा कि इनका लेबल नया है उदित भाई का और गौरव भाई का, लेकिन इनका जोश बहुत पुराना लग रहा है मुझे, क्योंकि जिस तरह इन्होंने इस दोनों गानों को, जाम को और गतिविधि को, सिर्फ एक ही महीने में ऑर्गेनाइज किया और शूट किया बैक टू बैक दोनों गानों को, और बैक टू बैक अपने लेबल की टीम को खड़ा किया कि वो विद इन वन मंथ इसको रिलीज कर पाए, क्योंकि हमारे पास ये गोल्डन चांस था कि 31st से पहले हम इस गाने को रिलीज करें। और दोनों गानों को, जाम को हमने नवंबर में रिलीज किया और गतिविधि को 24 दिसंबर को, और फाइनली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और डेफिनेटली आगे भी हम बहुत कुछ साथ में कर रहे हैं। सो बेसिकली दिवाली से जस्ट पहले हम लोगों की मीटिंग हुई थी आपस में, तो 7-8 डेज का ही टाइम था हमारे पास वीडियो शूट करने के लिए, तो हनी भाई ने हमसे पूछा आप कर लोगे, तो बेसिकली अगर हनी भाई होते हैं फ्रेम में तो हर चीज ही पॉसिबल है, तो 3 दिन के अंदर हमने ये 2 वीडियोस करी, वेरी लाइक ग्रैंड वीडियोस जो हमने प्लान करी थी उस तरीके से निकल के आई नमो स्टूडियोज के साथ। एंड गतिविधि को जिस तरीके से लोग प्यार दे रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, एंड हनी भाई और मोनी के साथ जो केमिस्ट्री है वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। एंड जब हनी भाई वीडियो में होते हैं तो उस वीडियो का लेवल तो अपने आप ही काफी नॉच ऊपर हो जाता है, और मेरे लिए अगर डायरेक्टर बहुत इजी हो जाता है क्योंकि मेरे को डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं पड़ता, हनी भाई खुद ही इतना फ्री स्टाइल, इतना सब कुछ, ऐसी परफॉर्मेंस लेवल है इनकी, तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे को हनी भाई के साथ काम करने का मौका मिलता है। और गतिविधि में भी वही हुआ, विद इन फ्यू आवर्स हनी भाई ने जो परफॉर्म किया वो आप देख ही सकते हैं वीडियो में सब कुछ। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा कि मीर के डायरेक्टर विजन हमेशा बहुत बड़ा रहता है, इनकी टेक्निकल टीम बहुत स्ट्रांग है, फ्रोकलाइज के नाम से इनके 7-8 लड़कों का गैंग है जो बिल्कुल पागल लड़के, ना सोते हैं ना खाते हैं ना पीते हैं। और उसके बावजूद मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, स्पेशली इस मुंबई शहर में काफ़ी डायरेक्टर ऐसे हैं जो काफ़ी सीनियर हैं, लेकिन वो अपनी सीनियोरिटी गुस्से में ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं और बहुत टेंस माहौल रखते हैं शूट के दौरान, कभी किसी को गाली बक रहे होते हैं, कभी किसी को डांट रहे होते हैं, आर्टिस्ट के साथ सही होते हैं लेकिन पूरा एक माहौल बहुत डरा हुआ होता है। लेकिन मिहिर भाई के साथ ये मेरी कंफर्टेबिलिटी, तो हम 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं और धीरे धीरे हमने साथ में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। मिहिर मेरे टूर्स, इंडिया टूर्स की BTS करते थे, फ्रॉम उस लेवल से लेके मेहनत वही है पूरी, जोश वही है पूरा आज भी, और आज ये मेन स्ट्रीम वीडियोज़ कर रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर काफ़ी वीडियोज़ कर रहे हैं, तो इनकी ये तारीफ करना चाहूँगा मैं कि इनके सेट पर ऐसा होता है कि बस मतलब मस्ती चल रही होती है, आपको पूरा परफॉर्म करने का, खुश रहने का मौका मिलता है, कोई स्ट्रेस नहीं होता, भले सब कुछ डिले चल रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, या लाइट टूट रही हो या छत टूट रही हो या कुछ भी हो रहा हो, इज ऑलवेज भाई करो यार, इंजॉय करो। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट टू परफॉर्म
freely and to give his best to have a director like him. That's why he's my favorite. He's the only one in India. I'm telling you. Mark my words, 2023, you're going to see next level of Mir Gulati. All because of Yo-Yo Honey Singh. You know, he break diya, you know, he sab kuch diya. Everything because of Yo-Yo. He break everything out. He break all the cameras. गतिविधि बड़ा कॉमन यूज वर्ड है लेकिन आज तक इस पे गाना नहीं बना. हम लोग ये कहते हैं हाँ भी यार टीवी चला देख क्या गतिविधि चल रही है पॉलिटिक्स में या क्रिकेट में क्या गतिविधि चल रही है. तो ये वर्ड स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत यूज होता है. तो जब मैंने ऐसे ही अपना लैपटॉप खोला फिर मैं जर्नली अपनी जो मैंने पूरी एल्बम तैयार करी है हनी 3.0 जो इस साल मार्च या अप्रैल में आएगी तो उसमें सारा म्यूजिक किया है बेस योगी ने होमी दिल्लीवाला ने. तो मैं उन्हीं की बीट्स पे लिख रहा था उन्हीं की बीट्स पे गा रहा था तो उन्होंने बोला कि सर आप अपना लैपटॉप खोलो अपनी बीट्स भी निकालो उस पर भी कुछ करो. मैंने अपना लैपटॉप खोला मैंने एक बीट बाउंस करी जो ये वाली बीट थी गतिविधि की. मैं अपने कॉर्नर में गया मैंने कहा गतिविधि तेरी कमर की गतिविधि. मैंने कमर हटा के तेरी नजर कर दी क्योंकि जो नजर की गतिविधि होती है वो ज्यादा पावरफुल होती है कमर से मेरा सोचना है. तो फिर गतिविधि सारे लड़के मेरी टीम के बोलने लगे भाई ये कहाँ से आ गया वर्ड. तो मुझे खुद नहीं बताया ये वर्ड कहाँ से आ गया. और फाइनली हम लोगों ने प्यार किया फिर मेरे को नेक्स्ट फ्लो दिमाग में आया चल 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 हल चल 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 मेरे साथ हिमाचल चल, चल ना मत करियो ना मत करियो ना बोलियो चल कर गतिविधि गतिविधि तेरी नजर की गतिविधि. ये लोग जब स्टूडियो आए कहते हमें तो ये गाना चाहिए. मैंने कहा ये गाना तो मेरी एल्बम में है तो हमें मुझे नहीं पता हमें एल्बम से निकाल के दो हम इसको पहले रिलीज करेंगे. चलो ठीक दिस इज हाउ इट हैपेंड. इसके अलावा साल का अंत काफी अच्छा हुआ गाने से हुई. एंड जिस तरह का आपका लुक लग रहा है जिस तरह हम बचपन में देखते थे आपको उसी तरह का लुक अभी भी नजर आ रहा है. किस तरह से 2023 किस तरह से प्लान किया आपने. 2023 में बहुत कुछ प्लान है. मैं क्या करता हूँ कि मैं बचपन से मैंने ऐसा किया कि मैंने अपनी औकात से बाहर बड़े सपने देखने चाहे और ऊपर वाले ने वो सपने पूरे किए. तो 2022 में मैंने फिर से कोशिश करी है कि अपनी औकात से बड़े सपने देखूं और उसको पूरा करने का जोश बना के रखूं और ऊपर वाला ब्लेस करता है. मैंने ये सोचा था 2022 और 23 में मैं बिल्कुल बॉलीवुड नहीं करूंगा. मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक की शुरुआत करी वापस अपने आप को खड़ा करूंगा इंडिपेंडेंट म्यूजिक से. सलमान भाई मिल गया अल्फा में बुलाया मेरे को समझा रहे थे काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ को लेके. अगर लाइफ में कुछ भी होता है पर्सनली होता है तो वो प्रोफेशन पे नहीं आना चाहिए. मेरे साथ पर्सनली इतना कुछ हुआ तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा तो काम करता रहे ये करते हैं. फिर मैंने कहा चलो ठीक है बहुत अच्छी एडवाइस है मैं इस पर काम करूँगा. एक हफ्ते बाद बोले मैं गाना भेज रहा हूँ इसको गाओ. मैंने गाया कहते परसों क्या कर रहे हो. मेरा कुछ नहीं दिल्ली हूँ हैदराबाद आओ इसको शूट करें. तो अपने आप भगवान ने दे दिया. सलमान भाई को मैंने गाना दिया था यार ना मिले एक मूवी के अंदर याद ना मिले तब मैं लंदन में था मैं वो गाना शूट नहीं कर पाया था उनके साथ. तो ये बाकी था कुछ तो सलमान भाई ने हाथ पकड़ा वो गाना शूट किया किसी का भाई किसी की जान में इस साल वो गाना आने वाला है. सबसे पहले जिन्होंने बॉलीवुड में मेरा हाथ पकड़ा था अक्षय भाजी उन्होंने मुझे बुलाया एक गाना हमने साथ में शूट किया. मुझे बोले मुझे ये गाना चाहिए चाहिए और तू चाहिए चाहिए इसमें तो तू वहाँ मैं तेरे साथ शूट करूँगा. वो गाना शूट हो गया. गाने का नाम है कुड़ी चमकीली सेल्फी मूवी में वो गाना है वो आई थिंक फरवरी में ही आ जाएगा. तो वही बड़े सपने देखता हूँ तो अपने आप बड़ी चीज़ें अपने आप होती हैं. मैं उसके लिए हाथ पैर तो मारता ही हूँ लेकिन मैं अगर 10 चीज़ें प्लान करता हूँ तो 25 चीज़ें अपने आप हो जाती हैं. तो 2023 में मैंने टॉप 10 कुछ चीज़ें सोच रखी हैं जिसमें अब मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी तीसरी एल्बम जो 9 साल बाद आने वाली है देसी कलाकार के बाद जिसका नाम है हनी 3.0. तो उसके सारे गाने रेडी हो चुके हैं और बस परफेक्ट डेट देख के हम लोग उसको रिलीज करने वाले हैं. फिर मेरा वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है. इंडिया टूर पहले शुरू होगा फिर वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. मतलब अब ऊपर वाला मेयर करे सब कुछ बढ़िया चलता रहे तो बम बोलेगा पूरा आशीर्वाद है. बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में कहा है यू गॉट वेरी अप्स एंड डाउन्स लेकिन आजकल हम देख रहे हैं युवा सुसाइड कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ लाइफ में हुआ देखा
आप क्या मैसेज देना चाहिए आपको, कई सारे लोग आपकी एक बड़ी फैन कॉलोनी है, यंगस्टर में, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको कि आपके पीछे आपको चले जाते लेकिन आपकी फैमिली को काफी परेशानी हुई, तो व्हाट इज योर वन मैसेज टू योर फैंस सबको ना करें? हाँ देखो, सबसे पहली बात कि हमारे सिटी कलाकार के बाद जिसका नाम है हनी 3.0, तो उसके सारे गाने रेडी हो चुके हैं और बस परफेक्ट डेट देख के हम लोग उसको रिलीज करने वाले हैं। फिर मेरा वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है, इंडिया टूर पहले शुरू होगा फिर वर्ल्ड टूर शुरू होने वाला है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, मतलब अब ऊपर वाला मेयर करे, सब कुछ बढ़िया चलता रहे तो बोलेगा पूरा आशीर्वाद है। बहुत कुछ आपने अपनी लाइफ में कहा है, यू गॉट वेरी अप्स एंड डाउन, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं युवा सुसाइड कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ लाइफ में हुआ देखा सुसाइड, आप क्या मैसेज देना चाहिए आपको, कई सारे लोग आपकी एक बड़ी फैन कॉलोनी है यंगस्टर में, तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको कि आपके पीछे आपको चले जाते लेकिन आपकी फैमिली को काफी परेशानी हुई, तो व्हाट इज योर वन मैसेज टू योर फैंस सबको प्रे ना करें? हाँ देखो, सबसे पहली बात की हमारे सिटी